आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट कार्ड जो डिजिटल पेमेंट को सिंपल बनाता है, जिसे आप बिना अकाउंट में पैसे के भी खरीदारी करते हैं। लेकिन अगर आपने जिंदगी में कभी बैंक से क्रेडिट और डेबिट कार्ड नहीं बनवाया है, तब भी अपने बैंक से पता कर लीजिएगा, कहीं आपके नाम पर कोई क्रेडिट कार्ड तो जारी नहीं हुआ है। आपको दिखाएं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, राव जवेनी कोर्ट में संजय सिंह पर सुनवाई पूरी हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, संजय सिंह को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। ईडी की रिमांड पर आएंगे संजय सिंह, राव जवेनी कोर्ट में संजय सिंह पर सुनवाई पूरी हो गई है। आपको बता दें कि 3 बजे के बाद उन्हें राव जवेनी कोर्ट में पेश किया गया था और इस दौरान फैसला सुरक्षित रखा गया था। लेकिन अब जो खबर है उसके मुताबिक संजय सिंह ईडी की रिमांड पर रहेंगे। राव जवेनी कोर्ट का फैसला, संजय सिंह ईडी की रिमांड पर रहेंगे और 5 दिन की रिमांड पर संजय सिंह रहेंगे। इस दौरान उनसे पूछताछ होगी। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में यह फिलहाल उनसे पूछताछ होनी है। कल आपको बता दें कि 10 घंटे की ईडी की पूछताछ के बाद कल उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था और आज उन्हें राव जवेनी कोर्ट में पेश किया गया। अब उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है, आगे की पूछताछ होगी। अवनीश चौधरी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। अवनीश, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, 10 अक्टूबर के लिए इनको रिमांड पर भेज दिया है और आज एक लंबी दलीलें सुनी गई। जब संजय सिंह को पहली बार ईडी ने पेश किया स्पेशल कोर्ट के अंदर, तो वहां तमाम दोनों पक्षों की तरफ से दलील दी गई। संजय सिंह की ओर से एडवोकेट मासूर पेश हुए और दूसरी ओर से ईडी की ओर से स्पेशल पीपी पेश हुए। उन्होंने तमाम बातें रखी कि किस तरीके से इस पूरे मामले में संजय सिंह का नाम सामने आया। दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा जो अप्रूवर भी बने हैं, उन्होंने संजय सिंह का नाम लिया। इनका मोबाइल जो रिकवर किया गया उससे जो साक्ष्य है वो रिकवर करने हैं, उससे आमना सामना करवाना है, पूछताछ करनी है। तमाम दलीलें दी गई कि 7 दिन का रिमांड दिया जाए और इन दलीलों के विरोध में संजय सिंह की तरफ से भी एक लंबी दलीलें सुनने को मिली। संजय सिंह की ओर से कहा गया कि जो अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा हैं, ये पहले भी कई बयान दे चुके थे, लेकिन उन बयानों में इनका नाम नहीं था, लेकिन एकाएक इनका नाम सामने आता है और ईडी इन्हें अरेस्ट करती है, जबकि ये पूछताछ में पहले भी शामिल रहे हैं। इन्होंने संबंध में सहयोग किया है, तो इनको राजनीतिक कारणों से इनको अरेस्ट किया गया है और अब रिमांड मांगा जा रहा है। रिमांड की जरूरत नहीं है। ये तमाम दलीलें सुनने के बाद अदालत ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया था और उस पर विचार करने के बाद इनको 10 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा अनिश आगे।